हेलो एवरीवन, अगेन मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू इन बायोलॉजी टॉप टेक चैनल। हम लोग यहां पे डिस्कस करेंगे डी फार्मा सिटीज क्वेश्चन पेपर के बारे में। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग जो डी फार्मा एग्जिट एग्जाम से रिलेटेड फार्मा सिटीज पार्ट फर्स्ट एमसीक्यू को डिस्कस कर रहे थे, आज यहाँ पे जो पार्ट सेकेंड एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है जो इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ मेम्ब्रेन फिल्टर। निम्न में से पूछा कि निम्न में से कौन एक जो है मेम्ब्रेन फिल्टर का एग्जाम्पल नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे नायलॉन, सेकेंड टेफ्लॉन, एस्बेस्टॉस। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा हम लोग का नंबर फर्स्ट वाला, जो एस्बेस्टॉस होता है वही क्या है, मेम्ब्रेन फिल्टर का एग्जाम्पल उदाहरण नहीं है। अगला प्रश्न पूछा गया है फ्रीज ड्राइंग इज आल्सो नोन एज, जो फ्रीज ड्राइंग प्रोसेस है प्रक्रिया है उसे सदैव क्या कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है लायोफिलाइजेशन, सेकेंड है सब्लिमेशन, थर्ड ऑप्शन है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एंड लास्ट ऑप्शन है नन। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला, लायोफिलाइजेशन। फ्रीज ड्राइंग प्रोसेस को लायोफिलाइजेशन कहा जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया है व्हिच मेथड इज यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्टिंग हार्ड एंड टफ ड्रग्स, किस मेथड किस विधि का उपयोग जो है हार्ड और जो है टफ ड्रग्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए और अवशोषित करने के लिए किया जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे जो है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, सेकेंड है परकोलेशन, थर्ड ऑप्शन है लायोफिलाइजेशन एंड लास्ट ऑप्शन है ड्राइंग। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी वाला, परकोलेशन का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है लिक्विड एक्सट्रैक्ट ऑफ लिक्विड राइस इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हिच मेथड, जो लिक्विड राइस होता है उसका जो लिक्विड एक्सट्रैक्ट होता है वह जो है किस मेथड का एग्जाम्पल है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सिंपल परकोलेशन, सेकेंड है इन्फ्यूज़न, थर्ड ऑप्शन है रिजर्व परकोलेशन एंड लास्ट ऑप्शन है डिस्टिलेशन। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर सी वाला, रिजर्व परकोलेशन। अगला प्रश्न है टिंचर ऑफ बेलाडोना इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हिच एक्सट्रैक्शन मेथड, जो बेलाडोना है जो जिसका पूरा नाम जो एट्रोपा बेलाडोना होता है, इसको आप लोग फार्माकोग्नोसी में पढ़े होंगे। तो एट्रोपा बेलाडोना का जो टिंचर होता है वह किस मेथड का एक्सट्रैक्शन के किस मेथड का एग्जाम्पल है। फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे सिंपल परकोलेशन, सेकेंड है इन्फ्यूजन, थर्ड ऑप्शन है रिजर्व परकोलेशन एंड लास्ट ऑप्शन है यहाँ पे कंटिन्यूस परकोलेशन। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला, सिंपल परकोलेशन। अगला प्रश्न है ए कॉम्बिनेशन ऑफ डैश डिस्क इज यूज्ड फॉर बैक्टीरियल फिल्ट्रेशन, तो किस प्रकार के कॉम्बिनेशन के डिस्क का उपयोग जो है बैक्टीरियल फिल्ट्रेशन के लिए किया जाता है वही बताना है। सो फर्स्ट ऑप्शन इज नंबर थ्री एंड नंबर फाइव, सेकेंड ऑप्शन है नंबर फाइव एंड नंबर थ्री, थर्ड ऑप्शन यहाँ पे नंबर सेवन एंड नंबर नाइन, फोर्थ ऑप्शन दिया है नंबर नाइन एंड नंबर इलेवन। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी वाला, नंबर फाइव और नंबर थ्री डिस्क का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे द सस्पेंशन ऑफ सॉलिड और लिक्विड टू बी फिल्टर्ड इज नोन एज, जो सॉलिड और लिक्विड के सस्पेंशन होते हैं उन्हें जो फिल्टर्ड किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है सलरी, सेकेंड है फिल्ट्रेट, थर्ड ऑप्शन है फॉलिकुलेटेड केक एंड लास्ट ऑप्शन है टाइट्रेट। तो करेक्ट ऑप्शन है हम लोग का ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला, यहाँ पे सलरी। अगला प्रश्न है साइक्लोन सेपरेटर और कौन द प्रिंसिपल ऑफ, जो साइक्लोन सेपरेटर है आप लोगों ने इसको पढ़ा होगा और यह क्वेश्चन शायद 2023 के जो है डी फार्मा के लास्ट ईयर एग्जाम में पूछा भी गया था। तो साइक्लोन सेपरेटर जो है किसके प्रिंसिपल पर वर्क करता है, किसके सिद्धांत पर कार्य करता है। फर्स्ट ऑप्शन है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेकेंड ऑप्शन है इंपैक्शन, थर्ड ऑप्शन है क्रशिंग एंड लास्ट ऑप्शन है सीविंग। सो राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इफिशियंसी ऑफ एक्सट्रैक्शन प्रोसेस डज नॉट डिपेंड ऑन व्हिच फैक्टर, जो एक्सट्रैक्शन प्रोसेस है प्रक्रिया है उसकी जो इफिशियंसी क्षमता है वह किस फैक्टर किस कारक पर निर्भर नहीं करती है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे ड्रग एक्सट्रैक्टेबल कॉन्स्टिट्यूएंट, सेकेंड पार्टिकल साइज, थर्ड ऑप्शन है सॉल्वेंट नेचर एंड लास्ट ऑप्शन है सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग्स।
सो राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सॉलिबिलिटी ऑफ ड्रग, जो ड्रग की सॉलिबिलिटी घुलनशीलता का प्रकृति है उस पर जो यह निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल्टर एड आर यूज्ड इन क्लैरिफिकेशन ऑफ डैश कंटेनिंग स्लाइमी कंप्रेसिबल मटेरियल। तो फिल्टर एड जो है निम्न में से किसके क्लैरिफिकेशन के लिए उपयोग किए जाते हैं जो कि स्लिमी कंप्रेसिबल मटेरियल को कंटेन किए रहता है, बताना है। तो यहाँ पे 10 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला। तो देखिएगा, फिल्टर एड आर यूज इन द क्लैरिफिकेशन ऑफ लिक्विड, फिल्टर एड का उपयोग लिक्विड के क्लैरिफिकेशन में उपयोग किया जाता है जो कि कंटेन किए रहते हैं स्लिमी कंप्रेसिबल मटेरियल्स को। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हॉट विल बी द सीव नंबर फॉर कोर्स स्क्रीनिंग द वेट मास। तो वेट मास की जो कोर्स स्क्रीनिंग है उसके लिए सीव नंबर क्या होता है। फर्स्ट ऑप्शन है 6 to 10, सेकेंड ऑप्शन है 6 to 12, थर्ड ऑप्शन है 2 to 6 एंड लास्ट ऑप्शन है 10 to 15। सो राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी 6 to 12। अगला प्रश्न है, हॉट विल बी द सुइटेबल सीव नंबर फॉर स्क्रीनिंग द ड्राई ग्रेन्यूल्स। ड्राई ग्रेन्यूल को स्क्रीनिंग करने के लिए जो सुइटेबल अस्थाई सीव नंबर होता है वह कितने होता है ये बताना है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है 20 to 22, सेकेंड ऑप्शन है 15 to 27, थर्ड ऑप्शन है 16 to 18 एंड लास्ट ऑप्शन है 14 to 20। सो करेक्ट ऑप्शन है हम लोग का ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी वाला, 14 से 20। अगला प्रश्न है, FPC स्टैंड फॉर, तो FPC का फुल फॉर्म क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है फिनिश्ड प्रोडक्ट कंट्रोल, सेकेंड है फाइनल प्रोडक्ट कंट्रोल, थर्ड ऑप्शन है फॉर्मल प्रोडक्ट कंट्रोल एंड लास्ट ऑप्शन है फिनिश्ड प्रोडक्शन कंट्रोल। सो राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, फिनिश्ड प्रोडक्ट कंट्रोल। अगला प्रश्न है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू मीजर टेबलेट फ्रेबिलिटी। टेबलेट की फ्रेबिलिटी को मीजर करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है हाइड्रोफिलिसिटी, सेकेंड है मॉन्सेंटो हार्डनेस टेस्टर, थर्ड ऑप्शन है रोचे फ्रेबिलेटर एंड लास्ट ऑप्शन है यहाँ पे बेमेयर कैपलियर कैलाइपर। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ का हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी वाला, जो रोच फ्रेबिलेटर है इसी का उपयोग जो है टेबलेट के फ्रेबिलिटी को मीजर करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू डिटरमाइन टेबलेट हार्डनेस। जो टेबलेट है उसकी कठोरता को डिटरमाइन निर्धारित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है हाइड्रोफिलिसिटी, सेकेंड है मॉन्सेंटो हार्डनेस टेस्टर, थर्ड ऑप्शन है रोज फ्रेबिलेटर एंड लास्ट ऑप्शन है बेमेयर कैलाइपर। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे फिफ्थ का हम लोग का ऑप्शन नंबर बी वाला, मॉन्सेंटो हार्डनेस टेस्टर, जैसे कि आपको नाम से ही पता चला। तो यहाँ पे क्या पूछा है हार्डनेस को, तो इसमें हार्डनेस आ रहा है तो इसे आप लोग याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज टॉक्साइड वैक्सीन। निम्न में से कौन टॉक्साइड वैक्सीन है। फर्स्ट ऑप्शन है टिटेनस, सेकेंड है हेपेटाइटिस ए, थर्ड ऑप्शन है इन्फ्लुएंजा एंड लास्ट ऑप्शन है रूबेला। सो राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा टिटेनस, जो डिप्थीरिया पर्टूसिस एंड टिटेनस, डिप्थीरिया काली खांसी और जो टिटेनस का वैक्सीन होता है वह क्या होता है टॉक्साइड वैक्सीन होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट जो है करेक्ट ऑप्शन रहेगा। अगला प्रश्न है, ट्रीटेड टॉक्सिन आर सम टाइम आल्सो टर्म एज बैक्टीरियल टॉक्साइड, सेकेंड है इनएक्टिवेटेड टॉक्साइड, थर्ड ऑप्शन है फॉर्मल टॉक्साइड एंड लास्ट ऑप्शन है नन। तो ट्रीटेड टॉक्सिन जो होते हैं उन्हें कभी कभी जो है क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा, उन्हें जो है फॉर्मल टॉक्साइड कहा जाता है। क्या फॉर्मल टॉक्साइड, ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न पूछा गया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू मीजर द थिकनेस एंड डायमीटर ऑफ द टेबलेट। निम्न में से किसका उपयोग जो है टेबलेट के थिकनेस और डायमीटर को मीजर करने के लिए गणना करने के लिए या पुष्टि करने के लिए किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है कैर्स इंडेक्स, सेकेंड है वेमियर कैलाइपर, थर्ड ऑप्शन है मॉन्सेंटो हार्डनेस टेस्टर एंड लास्ट ऑप्शन है हाइड्रोफिलिसिटी।
सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, जो यहाँ पे लिखा है वेमियर कैलाइपर, इसी का उपयोग जो है टेबलेट के थिकनेस एंड डायमीटर को मेजर करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन इज आ रिकॉम्बिनेंट सब यूनिट वैक्सीन। तो निम्न में से कौन सा ऐसा वैक्सीन है जो कि रिकॉम्बिनेंट सब यूनिट वैक्सीन है। फर्स्ट ऑप्शन है टिटेनस, सेकेंड है हिपेटाइटिस ए, थर्ड है इन्फ्लुएंजा एंड लास्ट ऑप्शन है रूबेला। सो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर यहाँ पे फर्स्ट वाला, हिपेटाइटिस ए वैक्सीन क्या है, रिकॉम्बिनेंट सब यूनिट वैक्सीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज बैसोरिन पेस्ट। निम्न में से किसे जो बैसोरिन पेस्ट के नाम से जाना जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है पेक्टिन, सेकेंड है बी वैक्स एंड थर्ड ऑप्शन है सोडियम एल्जिनेट, लास्ट ऑप्शन है बोसोरिन पेस्ट। सो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी वाला, बोसोरिन पेस्ट को ही बैसोरिन पेस्ट के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया है, जीएमपी स्टैंड फॉर, जो जीएमपी है उसका फुल फॉर्म क्या है। तो फर्स्ट ऑप्शन है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, तो पहला ऑप्शन ही करेक्ट ऑप्शन है इसका, जो है गुड मैन्युफैक्चरिंग, जो जीएमपी होता है उसका जो फुल फॉर्म होता है वह जो है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ब्लू बुक वाज पब्लिश्ड इन द ईयर, जो ब्लू बुक है वह किस वर्ष पब्लिश किया गया, प्रकाशित किया गया। फर्स्ट ऑप्शन है 1984, सेकेंड है 1983, थर्ड है 1980 एंड लास्ट ऑप्शन है 1981। तो करेक्ट ऑप्शन है हम लोग का ऑप्शन नंबर बी वाला, 1983, 1983 में। अगला प्रश्न है, कैप्सूल सेक्शन नीड एट लीस्ट डैश एरिया फॉर बेसिक इंस्टॉलेशन। तो कैप्सूल सेक्शन जो होता है उसको कितने स्क्वायर मीटर के एरिया की आवश्यकता होती है बेसिक इंस्टॉलेशन के लिए ही बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है 25 स्क्वायर मीटर, सेकेंड है 30 स्क्वायर मीटर, थर्ड ऑप्शन है 35 स्क्वायर मीटर एंड लास्ट ऑप्शन है 40 स्क्वायर मीटर। सो करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला, 25 स्क्वायर मीटर की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, टेबलेट सेक्शन नीड एट लीस्ट डैश एरिया फॉर एसिलरी फॉर अनकोटेड टेबलेट। तो अनकोटेड टेबलेट को जो है एसिलरी के लिए कितने टेबलेट सेक्शन एरिया की आवश्यकता होती है बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है 25 स्क्वायर मीटर, सेकेंड है 30 स्क्वायर मीटर, थर्ड ऑप्शन है यहाँ पे 35 स्क्वायर मीटर एंड लास्ट ऑप्शन है 20 स्क्वायर मीटर। सो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन नंबर डी वाला, 20 स्क्वायर मीटर। अगला प्रश्न यहाँ पे जो है, वैलिडेशन कॉन्सेप्ट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय, जो वैलिडेशन कॉन्सेप्ट है उसे सबसे पहले सर्वप्रथम किसके द्वारा इंट्रोड्यूस्ड जो है परिचित किया गया। तो फर्स्ट ऑप्शन है टेड बायर्स एंड बर्ड लोफ्टस एंड सेकेंड ऑप्शन है रॉबर्ट फल्टन, थर्ड ऑप्शन है रॉबर्ट कैलियाउ एंड लास्ट ऑप्शन है विलियम प्रोक्टर। तो यहाँ पे जो फिफ्थ का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला, टेड बायर्स एंड बर्ड लोफ्टस के द्वारा सबसे पहले वैलिडेशन कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस्ड किया गया था। अगला प्रश्न है, फैक्ट्री एक्ट केम इनटू फोर्स इन, फैक्ट्री एक्ट जो है वह कब जो है परिचय में आया, फोर्स में आया। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन 1948, सेकेंड है 1940, थर्ड ऑप्शन 1952 एंड लास्ट ऑप्शन है 1949। सो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर हम लोग का फर्स्ट वाला, 1948, 1948 में। अगला प्रश्न है, डिटेक्शन लिमिट जिसे शॉर्ट फॉर्म में डीएल कहा जाता है कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, उसे किस प्रकार एक्सप्रेस किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है डीएल इक्वल टू 3.3 सिग्मा पानी एस, सेकेंड है डीएल इक्वल टू 3.6 सिग्मा पानी एस, थर्ड है डीएल इक्वल टू 3.4 सिग्मा पानी एस एंड यहाँ पे लास्ट दिया है डीएल इक्वल टू 3.7 सिग्मा पानी एस। सो करेक्ट ऑप्शन होगा हम लोग का यहाँ पे फर्स्ट वाला, डीएल इक्वल टू 3.6 सिग्मा पानी एस के द्वारा जो है डिटेक्शन लिमिट को एक्सप्रेस किया जाता है।
अगला प्रश्न यहाँ पे कॉन्टिएशन लिमिट जिसे शॉर्ट फॉर्म में QL कहा जाता है कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, फर्स्ट ऑप्शन है QL इक्वल टू 0.9 सिग्मा पान एस, सेकेंड है QL इक्वल टू 11 सिग्मा पान एस, थर्ड है QL इक्वल टू 10 सिग्मा पान एस, एंड लास्ट ऑप्शन है QL इक्वल टू 12 सिग्मा पान एस। सो करेक्ट ऑप्शन है हम लोग का ऑप्शन नंबर सी वाला, यहाँ पे QL इक्वल टू 10 सिग्मा पान एस के द्वारा कॉन्टिएशन लिमिट को एक्सप्रेस किया जाता है। अगला प्रश्न है यहाँ पे जो है रिप्रोड्यूसिबिलिटी शुड बी इवेल्युएटेड बाय, जो रिप्रोड्यूसिबिलिटी है उसे किसके द्वारा इवेल्युएट करते हैं, फर्स्ट ऑप्शन है इंटर लेबोरेटरी ट्रायल, सेकेंड है रिकोमेंडेड डाटा, थर्ड ऑप्शन है इंटरमीडिएट प्रिसीजन, एंड लास्ट ऑप्शन है रिपीटेबिलिटी। तो करेक्ट ऑप्शन है हम लोग का यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला, इंटर लेबोरेटरी ट्रायल के द्वारा ही जो इसे इवेल्युएट करते हैं रिप्रोड्यूसिबिलिटी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे डैश आर फॉर्म्ड व्हेन पार्टिसिपेशन ऑफ नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट टेक प्लेस इंस्टीड ऑफ फॉस्फोलिपिड इन द बाईलेयर फॉर्मेशन, तो किसके जो है यहाँ पे बताना है यहाँ पे जो सेंटेंस फिल करके तब उसे भी हम मतलब रिवाइज बता रहे थे। फर्स्ट ऑप्शन है नियोसोम, सेकेंड है लिपोसोम, थर्ड है नैनो पार्टिकल, एंड लास्ट ऑप्शन है हाइड्रोजेल। सो करेक्ट ऑप्शन है हम लोग का ऑप्शन नंबर यहाँ पे फर्स्ट वाला नियोसोम। तो नियोसोम आर फॉर्म्ड व्हेन पार्टिसिपेशन ऑफ नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट टेक प्लेस इंस्टीड ऑफ फॉस्फोलिपिड इन द बाईलेयर फॉर्मेशन, जब बाईलेयर फॉर्मेशन में सर्फेक्टेंट के स्थान पर जो है फॉस्फोलिपिड के स्थान पर जो है नॉन पार्टिसिपेशन ऑफ हाँ फॉस्फोलिपिड के स्थान पर जो है सर्फेक्टेंट नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट पार्टिसिपेट करते हैं तब जो है नियोसोम का फॉर्मेशन होता है। फिर से सुनिएगा, नियोसोम का फॉर्मेशन तब होता है जब नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट जो है फॉस्फोलिपिड के स्थान पर बाई लेयर फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं तब। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है नियोसोम। सेकेंड क्वेश्चन है डैश आर फॉर्म्ड बाई सेल्फ असेंबली ऑफ एम्फीफिलिक ब्लॉक को पॉलीमर 5 टू 15 नैनोमीटर इन एक्वस सॉल्यूशंस, तो यहाँ पे भी सेंटेंस फिल करके तभी बताना रहेगा आंसर। तो फर्स्ट है लिपोसोम, सेकेंड है यहाँ पे नियोसोम होना चाहिए, एंड थर्ड ऑप्शन है यहाँ पे माइसेल्स, एंड लास्ट ऑप्शन है हाइड्रोजेल्स। तो करेक्ट ऑप्शन है हम लोग का ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है सी वाला हो जाएगा, जो मिसेल्स है यहाँ पे, मिसेल्स आर फॉर्म्ड बाय सेल असेंबली ऑफ एम्फीफिलिक ब्लॉक को पॉलीमर इन एक्वस सोल्यूशन, एक्वस सोल्यूशन में मिसेल जो है सेल्फ एम्फीफिलिक ब्लॉक को पॉलीमर के सेल्फ असेंबली प्रोसेस के द्वारा बनते हैं। ऑप्शन सी जो है करेक्ट ऑप्शन रहेगा, मिसेल्स, इसे आप लोग जो सैपोनिफिकेशन प्रोसेस जो होता है साबुन के निर्माण की प्रक्रिया उसमें सुनेंगे मिसेल क्या होता है। अगला प्रश्न यहाँ पे PEG स्टैंड फॉर, फर्स्ट ऑप्शन है पॉलीस्टायरीन ग्लाइकॉल चेन, सेकेंड है पॉलीथाइलीन ग्लाइकॉल चेन, थर्ड ऑप्शन है पॉलीमॉर्फिन ग्लाइकॉल चेन, एंड लास्ट ऑप्शन है नन। तो PEG का जो फुल फॉर्म होता है वह हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी वाला, पॉलीथाइलीन ग्लाइकॉल चेन। अगला प्रश्न है साइज ऑफ नैनो पार्टिकल डैश, फर्स्ट ऑप्शन है 10 to 100 नैनोमीटर, सेकेंड है 100 to 200 नैनोमीटर, थर्ड है 10 to 200 नैनोमीटर, एंड लास्ट है 200 to 400 नैनोमीटर। तो साइज ऑफ नैनो पार्टिकल का जो साइज होता है वह जो है कितना होता है 10 to 200 नैनोमीटर, 10 से 200 नैनोमीटर होता है। अगला प्रश्न है डेक्सट्रोमेथोफ्रेन इज एन एग्जांपल ऑफ, जो डेक्सट्रोमेथोफ्रेन है वह किसका एग्जांपल है, फर्स्ट ऑप्शन है सस्टेन रिलीज ड्रग डिलीवरी सिस्टम, सेकेंड है पेरेंटल कंट्रोल रिलीज सिस्टम, थर्ड ऑप्शन है यहाँ पे ऑक्यूलर ड्रग डिलीवरी सिस्टम, एंड लास्ट ऑप्शन है ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो जो यहाँ पे जो डेक्सट्रोमेथोफ्रेन है वह जो है सस्टेन रिलीज ड्रग डिलीवरी सिस्टम का एग्जाम्पल है। अगला प्रश्न है SCDD स्टैंड फॉर, SCDD का फुल फॉर्म क्या है, फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे सस्टेन इमल्सीफाइंग ड्रग डिलीवरी सिस्टम, सेकेंड है सेल्फ इमल्सीफाइंग ड्रग डिलीवरी सिस्टम, थर्ड है सुइटेबल इमल्सीफाइंग ड्रग डिलीवरी सिस्टम, लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ द एबव।
तो करेक्ट ऑप्शन है हम लोग का ऑप्शन नंबर बी वाला, यहाँ पे जो है सेल्फ इमल्सिफाइंग ड्रग डिलीवरी सिस्टम, सेल्फ इमल्सिफाइंग ड्रग डिलीवरी सिस्टम SEDDS का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ क्लिनिकल अप्रूव्ड लिपोसोमल ड्रग्स। तो पूछा निम्न में से कौन एक जो है क्लिनिकल अप्रूव्ड लिपोसोमल ड्रग्स का एग्जांपल नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है डॉक्सोरूबिसिन, सेकेंड है लिपोसोमल डाइनोरूबिसिन, थर्ड ऑप्शन है यहाँ पे लिपोसोमल साइट्राविन, थर्ड ऑप्शन है डाइक्लोफेनेक। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन नंबर डी वाला यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला डाइक्लोफेनेक जो होता है भाई क्या है क्लिनिकल अप्रूव्ड लिपोसोमल ड्रग का एग्जाम्पल नहीं है। अगला प्रश्न है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग कैरियर कंट्रोल द ड्रग रिलीज इन रिजर्वायर बेस्ड। तो निम्न में से कौन ड्रग कैरियर जो है रिजर्वायर बेस्ड जो है ड्रग रिलीज को कंट्रोल करता है। फर्स्ट ऑप्शन है हाइड्रोजेल, सेकेंड है लिपोसोम, थर्ड है डेंड्राइमर्स एंड लास्ट ऑप्शन नैनो पार्टिकल्स। सो करेक्ट ऑप्शन है हम लोग का ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला यहाँ पे हाइड्रोजेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग डिलीवरी कैरियर हैव थर्मोडाइनेमिक्स सिमिलैरिटी विद वाटर। तो निम्न में से किस ड्रग डिलीवरी कैरियर का जो है थर्मोडाइनेमिक सिमिलैरिटी होता है वाटर के साथ ही बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है लिपोसोम, सेकेंड है डेंड्राइमर, थर्ड है नैनो पार्टिकल एंड लास्ट ऑप्शन है हाइड्रोजेल्स। सो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन नंबर डी वाला हाइड्रोजेल्स का जो है वाटर के साथ थर्मोडाइनेमिक सिमिलैरिटी होता है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे जो है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग डिलीवरी सिस्टम डिलीवर ड्रग एक्शन बाय कैरियर आइदर फॉर पैसिव और एक्टिव टारगेटिंग। तो निम्न में से कौन सा ड्रग डिलीवरी सिस्टम जो है डिलीवर करता है ड्रग एक्शन को डिलीवर करता है कैरियर आइदर फॉर पैसिव और एक्टिव, मतलब कि पैसिव और एक्टिव टारगेटिंग यहाँ पे जो दिया है पैसिव और एक्टिव टारगेटिंग के लिए। तो यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है सस्टेंड और कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, सेकेंड है लोकलाइज्ड ड्रग डिलीवरी डिवाइसेज, थर्ड ऑप्शन है टारगेटेड ड्रग डिलीवरी एंड लास्ट ऑप्शन है रेट प्री प्रोग्राम ड्रग डिलीवरी सिस्टम। सो करेक्ट ऑप्शन है हम लोग का ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाला टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो यहाँ पे देख सकते हैं टारगेटिंग वर्ड आया है, तो यहाँ पे जो पैसिव और एक्टिव टारगेटिंग के लिए जो ड्रग डिलीवरी सिस्टम ड्रग एक्शन को डिलीवर करता है वह जो टारगेटेड ड्रग डिलीवरी होता है ऑप्शन सी जो है करेक्ट ऑप्शन रहेगा। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल बायोलॉजी टॉप टेक, जुड़े रहिए हमारे चैनल बायोलॉजी टॉप टेक के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट एंड नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ और नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर के साथ। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके इसके टेलीग्राम चैनल के लिंक को ज्वाइन करके इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं।